17 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 3 बजे अचानक से लेबनान कई सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठता है। जब तक हिजबुल्ला कुछ समझ पाता तब तक लेबनान के अस्पतालों में घायलों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजधानी बेरूत के कोने कोने से सिर्फ एम्बुलेंस के सायरनों की आवाजें गूंज रही थी। और ये एम्बुलेंस धमाकों में घायल हिजबुल्ला के लड़ाकों को अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद कर रही थी। दरअसल लेबनान में हिजबुल्ला आपस में बातचीत करने के लिए जिन पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है उनमें अचानक से धमाके होना शुरू हो गए। किसी की जेब में तो किसी के कान पर ही ये डिवाइस फटने लगे। बेरूत के दक्षिण उपनगर वाले इलाके में सबसे ज्यादा धमाके हुए और इन धमाकों में करीब 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 8 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और तो और पेजर धमाके की चपेट में लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी आ गए हैं। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिजबुल्ला के इन डिवाइसेस में धमाके कैसे हुए। तो आपको बता दें कि लेबनान पहले ही इन धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहा था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। दरअसल जिन पेजर्स डिवाइसेस का इस्तेमाल हिजबुल्ला करता है उनकी एक नई खेप लेबनान में आई थी और इन डिवाइसेस में इसराइल ने पहले ही विस्फोटक लगा दिया था। ये डिवाइस ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से मंगाए गए थे। लेबनान पहुंचने से पहले ही इसराइल ने इन डिवाइसेस में विस्फोटक फिट कर दिया था। जिन डिवाइसेस में विस्फोटक लगाया गया था वो अधिकतर AP-924 मॉडल वाले थे। हालांकि कंपनी के 3 अन्य डिवाइस मॉडलों में भी विस्फोटक फिट किए गए थे और ये पूरी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पेजर डिवाइसेस में बेहद ही छोटी मात्रा में यानी करीब 56 ग्राम तक विस्फोटक बैटरी के बगल में फिट किया गया था और इसमें एक ऐसा स्विच भी लगाया गया था जो रिमोट कंट्रोल से इन डिवाइसेस को ब्लास्ट कर सकता था। और यही वजह है कि लेबनान में दोपहर करीब 3 बजे पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसे हिजबुल्ला के नेतृत्व की तरफ से बताया गया, लेकिन ये कोई संदेश नहीं था बल्कि ये पेजर्स में लगे विस्फोटक को एक्टिव करने का एक ट्रिगर था। इसराइल ने इन पेजर्स में इस तरह के बदलाव किए थे कि ब्लास्ट होने से पहले पेजर्स में कुछ सेकंड के लिए बीप की आवाज आती थी और इसके बाद ये फटने लगते थे। इस हमले को लेकर स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स माइको हाइपोनिन ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि धमाके की ताकत और रफ्तार से ये स्पष्ट है कि धमाके विस्फोटक सामग्री के जरिए किए गए थे। इन पेजर्स में इस तरह के धमाके कराने के लिए इनमें बदलाव किया गया होगा। विस्फोट के आकार और ताकत को देखकर ये नहीं लगता कि ये सिर्फ बैटरी की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तेल अविव यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी की रिसर्चर कैरन एलेजारी का कहना है कि हमलों में हिजबुल्ला को निशाना बनाया गया था जहां वे सबसे ज्यादा कमजोर थे। इस हमले में उनकी कमजोरी पर चोट की है क्योंकि उन्होंने संचार के केंद्रीय साधन को नष्ट कर दिया है। हमने पहले भी इस तरह के उपकरणों पेजर्स को निशाना बनाते हुए देखा है, लेकिन इतने परिष्कृत हमले हमने नहीं देखे हैं। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्ला ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से करीब 3,000 पेजर डिवाइसेज ऑर्डर किए थे जिन्हें हिजबुल्ला के लड़ाकों को बांटा गया था। यहाँ तक कि ये पेजर ईरान और सीरिया में हिजबुल्ला के सहयोगियों को भी बांटे गए थे और लेबनान में उन पेजर डिवाइसेज में धमाके हुए हैं जिन्हें स्विच ऑन किया गया और उन पर धमाकों से पहले मैसेज आ रहे थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि हिजबुल्ला ने ये पेजर कब ऑर्डर किए और लेबनान में इसकी खेप कब पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के संस्थापक हशुचिंग क्वांग ने एक बयान में कहा कि लेबनान में जो पेजर्स फटे हैं उनको उसने नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो पेजर्स फटे हैं वो यूरोप की एक कंपनी ने बनाए हैं जिन्होंने हमारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया है। ये
那他后来他自己有做一个呼叫器，他做这支呼叫器切我们公司的厂牌，每一台的部分有给我们一个这个 logo 的一个 brand 的费用，哦，那基本上我们都有合约啦、合同啦那些东西，我们待会秀给你看啊。वहीं दूसरी तरफ लेबनान में फटे हुए एक पेजर डिवाइस का न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने विश्लेषण किया है, जिसके पीछे जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर ये लिखा है कि ये पेजर गोल्ड अपोलो ने बनाया है। वहीं लेबनान के एक सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्ला ने ताइवान की गोल्ड अपोलो को 5000 पेजर्स बनाने का ऑर्डर दिया था।